नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कल रात को अचानक से एमसीसी ने प्रोविजनल रिजल्ट इशू कर दिया, जो भी पहले उनका नोटिस आया था कि आ जाएगा, बिकॉज वो जो चेंजेस हो रहे थे, बट आई थिंक आपकी बार वो टाइम से चल रहे हैं और आज दोपहर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जनरली कोई चेंज नहीं होता है, तो जो पीडीएफ फाइल आई है उसमें आप अपने ये देख सकते हैं कौन सी सीट अलॉट हुई है। 99.999% वही रहेगी। और फिर पर अब देखिए, हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके एमसीसी लॉगिन्स में ना अलॉटमेंट लेटर आएंगे और उन लेटर को लेकर ही आपको कॉलेज को रिपोर्ट करने जाना होगा। कुछ इंटरेस्टिंग बातें, और फिर से वही जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो पहले सरकारी के बारे में बताता हूँ, अभी ब्रॉडली बताता हूँ। आखिरी जो जनरल कैटेगरी है, छोटे से अनरिजर्व वाले को सीट मिली है वो 660 नंबर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 19,603 रैंक पे मिली है, जबकि लास्ट ईयर 19,396 पे मिल गई थी। तो आप देखेंगे जो गैप है वो बहुत थोड़ा है, मुश्किल से 300 नंबर नीचे गया अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा, अभी भी नीचे ही है देखिए रैंक के हिसाब से ना, क्योंकि जब सीटें बढ़ती हैं पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट सरकारी कॉलेज खुलते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में तो सीटें आती हैं, बट सिर्फ 300 रैंक का डाउनफॉल हुआ है। तो 19,396 के बदले 19,603 पे गया है। EWS में वही 21,591 रैंक से 23,419, तो अच्छा 2,000 का गैप है। OBC में भी सेम बहुत कम गैप है, और हम जानते हैं OBC हैज़ बिकम नाउ वेरी कॉम्पिटिटिव, तो 19,977 रैंक थी लास्ट ईयर, इस आखिरी इस बार 20,281 है। शेड्यूल कास्ट 113,000 रैंक थे, इस बार 105,000, तो 5,000 रैंक कम बच्चों को सीट मिली है। और वही शेड्यूल ट्राइब 141,071 से गिर के तकरीबन 145,207, वैसे हमें एग्जैक्ट बोलना चाहिए सरकारी में, एक एक रैंक से बच्चे की सीट चली जाती है। तो जनरल कैटेगरी 19,603 रैंक आखिरी सीट, और मैं सिर्फ रैंक बोलूँगा नंबर नहीं, वैसे नंबर 660 है, क्योंकि 660 में भी हो सकता है कि ये बच्चों को सीट ना मिली हो जिनकी रैंक उसके नीचे होगी, तो रैंक इंपॉर्टेंट है। 19,603 रैंक आखिरी बच्चा। EWS 23,419, OBC 20,281, शेड्यूल कास्ट जी 105,676, और शेड्यूल ट्राइब 145,207। और जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा कि जो मैंने महीना दो महीने पहले बताया था कि इस बार अनरिजर्व कैटेगरी को 32 भी नहीं, शायद 25% सीटें ही मिलेंगी, जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक्चुअली में सीट्स कैसे बढ़ती हैं जब अलॉटमेंट होती है। सिमिलरली इंटरेस्टिंग चीज़ है डीम्ड को लेके, हम जानते हैं कि 4 इस बार ज़्यादा कॉलेज आए थे और फिर से प्रेडिक्शन ठीक रही मेरी। ग्राफिक ईरा ने क्या था, छक्का मार के पहले साल में आते ही और 322 नंबर या 551,948 रैंक। तो देखिए, 1,20,00,000 का पैकेज देकर भी 322 नंबर या छुड़ाए से 5,91,551,948 पे ख़त्म हो गए। और कारण ये है कि नॉर्थ इंडिया में ऑप्शंस बहुत कम है, पैसा होता है लोगों के पास लेकिन ऑप्शंस नहीं होती। अमृता बिल्कुल फिर से थोड़ा डाउन गया, क्योंकि जो उसने फीस 1,35,000 कर दी थी, हम वहाँ पर रैंक की बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर जहाँ वो सीधा ही 2,07,000 रैंक पे मिला था राउंड वन में, इस बार 2,80,000 रैंक पे मिल गया, क्योंकि फीस बहुत बढ़ा दी। फिर भी लोगों को लग रहा था कि बहुत गिर जाएगा, देखिए नहीं गिरा। फिर से मैं लोगों को समझाता जो मुझे कॉल करते हैं, पेड काउंसलिंग लेते हैं, कि सर भाई अमृता हो गया, ग्राफिक हीरो हो गया, ये पूरे आप नॉर्थ के 5 स्टेट पकड़े, देखिए पंजाब क्लोज स्टेट है, तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, UP, इन सारे स्टेट को आप पकड़ लेंगे तो जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज है वो पहले अमृता बना था, अब ग्राफिक हीरा बन गया। तो जो अच्छे घरों के लोग होते हैं, मतलब पैसे वाले घरों के लोग होते हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते इन्फ्रा वगैरह पे, उनको नया कॉलेज चलता है बट इन्फ्रा अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो अमृता अभी भी ऊपर रहा है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर मुकाबले थोड़ा गिर गया और 2,86,000 रैंक पे मिला है, 2,86,837 मार्क्स की बात करें तो 448 पे मिल गया। गीतम ने बहुत अच्छी छलांग लगाई इस बार, तो आई थिंक गीतम विशाखापट्टनम वो लोगों ने, और उसका कारण शायद यही है कि गीतम का मुकाबला जो बाकी साउथ के कॉलेज से होता है, साउथ के कॉलेज से बहुत फीस बढ़ाई, गीतम ने फीस सेम रखी। तो जहाँ गीतम लास्ट ईयर 12,00,000 रैंक पे मिला था, इस बार 8,75,000 रैंक पे मिला, 222 नंबर आखिरी बच्चे को मिला है। हमदर्द हमेशा की तरह वही है टॉप क्लास में। तो इस बार जो कमाल की बात है वो ये है कि हम देखिए मुस्लिम कोटा में भी काफ़ी ऊपर चला गया है हमदर्द, और 560 नंबर पे मिला है आखिरी बच्चे को, पिछले साल सेम ही था रैंक, तो कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो
नेक्स्ट एकदम नेक्स्ट चीज ठीक कर लूँ। ये रात रात में टीम बनाती है तो कुछ गड़बड़ कर दी उन्होंने, तो ऊपर नीचे एक्चुअली लिख दिया गया है, तो उसको मैं ठीक कर दूँ थोड़ा। तो एमएम कोटा को मिल गया है 560 नंबर 124,000 रैंक पे, और नॉर्मल तो 53,650 पे ख़त्म। तो देखिए रैंक्स की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली फ़र्क नहीं है जो हम लोग पैनी कर रहे थे। अभी SKBS विद्यापीठ है वो जैसे 3,50,000 रैंक से इस बार 270 पे ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ फी। तो जिन जिन ने फीस नहीं बढ़ाई है उन सब की रैंक्स जिसे कहते हैं इम्प्रूव हो गई हैं कि टाइट हो गई हैं। मौलाना जैसे 3,55,000 रैंक से 3,43,000 रैंक पे मिल गया। मणिपाल जमशेदपुर सेम और इम्प्रूव हो गया, 1,00,000 रैंक के बदले 82,000 रैंक पे ख़त्म हो गया। तो देखिए ओवरऑल डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ा है रैंक्स के टर्म में अगर मैं आपको ओवरऑल पिक्चर दूँ, और लेकिन उसमें इतना नहीं है कि बिल्कुल घबराने की बात है, पैनिक करने की बात है कि पता नहीं क्या हो गया। और वही जो हम हमेशा फ़ीस की बात करते हैं तो सस्ते कॉलेज सिम्बियोसिस और ऊपर चढ़ गया है, और इस बार तो सिर्फ 53,248 53248 रैंक पे ख़त्म हो गया 622 नंबर पे। नया कॉलेज जिसके भी दीवारें भी नहीं खड़ी हुई हैं IMS कटक, वो भी सीधा ही 522 नंबर 1,74,329। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अगेन जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि लोग फीस देखते हैं। अब अगले साल जो बच्चे देखेंगे वो कहेंगे अच्छा जी बड़ा टॉप क्लास कॉलेज है सर, 522 नंबर कट ऑफ गई थी IMS कटक की। भाई 522 नंबर या 1,74,000 इसलिए गई है क्योंकि 75,00,000 में आपको MBBS करा रहा है, राइट। अब जस्ट बिकॉज उसकी 522 नंबर रैंक गई है दैट डजेंट मीन ना कि वो पहले साल ही JLN बेलागावी या JSS मैसूर से अच्छा हो गया। तो इस समय तो JLN बेलागावी तो फिर भी 549 और 1,38,000 रैंक पे ख़त्म हुआ है, या JSS 1,22,000 पे, बट यू नो KS हेगडे के आसपास ये ख़त्म हुआ है। IMS कटक 153,000 रैंक KS हेगडे की है और इसकी 1,74,000, और उड़ीसा के बाकी दोनों कॉलेजों को इसने बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। फिर से आपको ये समझना होता है कि फीस प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। पर ग्राफिक ये रहा तो 1,20,00,000 था, तो देन द लोकेशन, तो यही इंडिया की डाइवर्सिटीज़ हैं। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स आर जनरली प्रॉस्पेरस स्टेट्स, पंजाब हरियाणा दिल्ली के लोग पास पैसा होता है और यहाँ पर अच्छे इंफ्रा के कॉलेज की कमी है। तो आपको JLN बेलागावी, JSS दोनों कस्तूरबा, या जो एक टिपिकल बेंगलोर की कॉलेजेस है, देखिए कर्नाटका के पास तो ये भी ऑप्शन है ना उनके बच्चों के पास कि पैसा देने आपको रामया कैंपे गौड़ा मिल जाएगा ना। दिल्ली में तो कोई प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं हमदर्द के अलावा ना, तो अभी 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसके मुकाबले मुंबई में आपको पता ही है कि अब 3 तो MGM हो गए हैं, DY पाटिल नवी मुंबई में लग जाता है, तो फिर भी कॉलेजेस हैं, 2 स्टेट कॉलेज हैं तरना और सोमाया। उसके मुकाबले दिल्ली शहर में एक भी कॉलेज नहीं है। फिर दिल्ली NCR की बात करें तभी अमृता आया और अब ड्राइवेबल डिस्टेंस पे देहरादून में ग्राफिक ही आ गया, तो कट ऑफ ऊपर है। तो ग्राफिक ईरा ने पहले साल ही पहले राउंड में ही 322 नंबर की कट ऑफ अर्जित कर ली है। गीतम बहुत ऊपर चला गया, और फिर से सबसे बड़ी बात ये है कि पौंडेज जो हमें हम कहते हैं कि सीट मिली जाती है, तो साउथ में जो लोवेस्ट इस समय कट ऑफ गई है, अगर हम मार्क्स की बात करें, हम जानते हैं कि कुछ कॉलेज होते हैं जो सबसे नीचे जाते हैं, तो फिर से वही SATSI कांचीपुरम 135 नंबर पर भी सीट मिली है, बिल्कुल जस्ट क्वालिफाइड से जो ऊपर ही है। तो ये लोवेस्ट कट ऑफ वाला कॉलेज यह है, उसके अलावा बाकी जितने भी साउथ में हैं वो भी बालाजी 173 नंबर या 11,00,000 रैंक के आसपास, SATSI फिलहाल 13,00,000 रैंक पे अलोकेट हो गया है। अब जैसा कि जो मेन टिप है जिसके लिए वीडियो सुन रहे हैं और जो अपने क्लाइंट्स को मैं बताता हूँ, देखिए मुझे पता है कि आप कई लोगों ने MCC का फॉर्म भरा, और एक और डिटेल एनालिसिस देंगे बाद में अगले वीडियो में कि NRI की क्या अलॉटमेंट गई है और जो NRI की सीटें हैं वो किस कॉलेज की कितनी अलॉट हो गई हैं, कितनी बची हैं। NRI फर्स्ट ब्लड में इस पर बहुत कॉम्पिटिशन था। अब देखिए अब तो आप समझ गए, क्योंकि आप जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं और पहले तो एजेंट भिखा देते हैं, अब तो आपके सामने हो रहा है। अभी फर्स्ट राउंड MCC का हो गया, रिजल्ट आ गया, और आप देख रहे हैं स्टेट्स के चल रहे हैं, आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे इस समय। अब हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल की शुरू होगी, पंजाब की हो चुकी, राजस्थान की होगी, दो समझ रहे हो। राउंड 1 MCC राउंड 1 स्टेट्स, फिर राउंड 2 MCC राउंड 2 स्टेट्स, राउंड 3 MCC राउंड 3 स्टेट्स।
अब जो ओवरऑल रूल है उसमें कोई शक की बात नहीं है, कहीं कन्फ्यूज मत होइए किसी की बातें सुन के। राउंड वन में अगर आप एमसीसी की सीट पकड़ते हैं और आप वहाँ पर जाके बोलेंगे कि मैं अपग्रेड के लिए जा रहा हूँ, पहली बात तो आपसे सवाल पूछेगा फ्रीज करनी है अपग्रेड के लिए जाना है, तो आपको अगर आपको ड्रीम कॉलेज मिल गया आपको सोचना ही नहीं है, फ्रीज कीजिए, कहानी खत्म, काउंसलिंग खत्म। पर आपको लगता है कि यार मैंने बस जल्दबाजी में कुछ भी भर दिया था क्योंकि मैं अभी पैनिक हूँ, मैं खाली नहीं जाना चाहता था, तो खासकर जो मिडिल लेवल के कॉलेज जिनको मिले हैं आप बेशक ज्वाइन कीजिए, अपग्रेड बोलिए, अपने स्टेट्स के अराउंड वन में ट्राई कीजिए, वहाँ अच्छा कॉलेज मिल जाता है, इस कॉलेज को जाके रिज़ाइन कीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, 2 लाख भी वापस आएंगे जो आपने एमसीसी को दिए हैं, और ये कॉलेज भी आपको फ़ीस वापस करेगा। बट शर्त ये है जब ये सीट स्टेट की मिलेगी तो वो फीस मांगेंगे इमीडिएटली, जैसे अब एमसीसी का कॉलेज मांगेगा आपसे अगले 5 दिन में, और ये जो कॉलेज जो आप रिज़ाइन करोगे वापस करेगा 15 दिन में, तो आपके पास एक तरह से डबल फीस का इंतजाम होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं, उसके बाद एक और राउंड तक कर सकते हैं, लेट्स अपने स्टेट्स का राउंड वन ट्राई मारा पर अभी स्टेट्स में कॉलेज नहीं मिला अच्छा पर आप पास में थे, एमसीसी राउंड टू में जाइए क्योंकि आपने अपग्रेड बोल रखा था, ऐसा भरिए क्योंकि आपका मन, आप उसमें भी जेन्युइन अपग्रेड के लिए जा सकते हैं कि बेटर कॉलेज मिल जाए, तो उसको छोड़िए इसको पकड़िए, लेकिन फिर से वो ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी फ़ीस 4 दिन में देनी पड़ेगी, उसकी फ़ीस वापस आएगी 15 दिन में। अब इसी कॉलेज आपने पकड़ लिया, पकड़ के फिर अपग्रेड मारा एमसीसी राउंड टू, अभी भी आप स्टेट्स के अपने राउंड टू में जा सकते हैं। अब अगर आपको अपने मन का कॉलेज मिल गया स्टेट राउंड टू में, मिलते ही आप एमसीसी वाले कॉलेज में जाकर इस्तीफा दीजिए, अब 2 लाख कट जाएंगे लेकिन जो पूरी फीस है वो वापस आएगी, लेकिन फिर से यह है कि स्टेट के राउंड टू की फ़ीस 4 दिन में देनी है, ये फीस वापस आएगी 15 दिन में। तो ऐसा करके अब आप अपने लिए ऑप्टिमल कॉलेज भी तलाश कर सकते हैं। अभी तक तो आपने डेस्परेशन में भर दिया होगा क्योंकि देखिए एमसीसी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तकरीबन 8-9 हज़ार सीटें होती हैं और पूरी इंडिया में उतनी मिलाकर भी नहीं होती सब, या होती हैं लेकिन जो ओपन सीटें हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी टिप है कि अब आपको आगे कैसे चलना है। अगर आपको एक ऑप्टिमल कॉलेज चाहिए, कुछ भी कॉलेज चाहिए या जो आपको मन का मिल गया एमसीसी को लेके, भी आप बाहर हो सकते हैं, पर हाँ उस ऑप्टिमल के लिए आपके पास अगर हम 25 लाख रुपए हमने अकाउंट में रखे हुए थे तो 50 होने चाहिए ताकि आप दूसरे कॉलेज की फ़ीस पहले दे दें, और ये कॉलेज की फ़ीस तो 15 दिन में वापस आएगी, पर 15 दिन में पक्का आएगी, उसमें कोई चिंता कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये है फर्स्ट लेवल का एनालिसिस और आपके लिए टिप, ग्रेफिक गीता के सिक्सर और अमृता थोड़ा डाउन और IMS कटक का सिक्सर, MGM नेरुल ने भी सिक्सर मारा है सेम 2.5 लाख रैंक, तो सारे नए कॉलेजों ने मारा है, GR मेडिकल कॉलेज क्योंकि वो भी सस्ते में आया साउथ इंडिया में, पहला साल होते हुए भी 322 नंबर और 5,50,000 कट ऑफ, और कई पुराने अच्छे कॉलेज लग सकते हैं उनकी कट ऑफ नीचे गई है बिकॉज ऑफ फीस, तो फीस लोग बहुत देखते हैं। संतोष ने भी इस बार तरक्की कर ली है, 7,60,000 रैंक के बदले 6,72,000 रैंक और 280 नंबर नॉर्थ इंडिया में ख़त्म हो गए। वीडियो बहुत लंबा बन सकता है तो अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और 2-3 और अच्छे अच्छे वीडियोस जब मुझे दिन में टाइम मिलेगा आपको मैं दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस देखते रहिए। जैसा कि मैं जानता हूँ अब नए क्लाइंट्स लेने का समय नहीं है हमारे पास, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, जो चैनल में मैं आपको बता पाऊँगा वो सुनिए, समझिए और करिए। ओके, कोई स्पेशल बिल्कुल आपको NRI मैनेजमेंट राजस्थान के आप केसेस हैं तो यू कैन अप्रोच अस, बट एक नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस में वी आर नॉट एबल टू हेल्प मच नाउ, और स्पेशली फॉर्म फिलिंग तो बिल्कुल नहीं हम कर पाते अब नए क्लाइंट्स की। बाय बाय, टेक केयर।